देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले आरएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आरएल हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा? आरटीएच के, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम पावर की कंडीशन दे दी। और मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वेयर टीएच डिवाइडेड बाय 4 आरएल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आरएल को ओपन सर्किट, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जहाँ पे हमारा टर्म आर एल होता है वहाँ पे हम हमेशा क्या मार्क करते हैं, ए एंड बी टर्मिनल। यहाँ पे करंट सोर्स है, इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 10 ओम आ गया, ये हमारे पास 50 ओम आ गया, और ये हमारे पास 25 ओम आ गया। 10 10। ओके, अब मैंने बताया हमेशा कि तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, और जाना कहाँ पे है, बी पे, राइट। तो जो रेजिस्टेंस एक के साथ आ रहे हैं वो सीरीज में, जो उसके अपोजिट साइड आ रहे हैं वो पैरेलल में। 10 50 25, इन तीनों के घर तुम एक ही साथ जा सकते हो या नहीं? बोलो, तीनों के घर एक ही साथ जा सकते हो तो तीनों क्या होंगे, सीरीज में। और उसके बाद अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार, या तो 10 ओम के घर जाता हूँ या इन इनके घर जाता हूँ, तो इसका मतलब ये किस में है, पैरेलल में। तो ये कितना हो गया, 75। हाँ, तो 3 एम्पियर को क्या कर दिया, ओपन सर्किट, और ये 2 एम्पियर को भी क्या कर दिया, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है तो उसको बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दूँ मैं इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट की तुम्हें क्या निकालना है, VTH। VTH हम किसके अक्रॉस निकालेंगे, अगेन वही RL के अक्रॉस। तो ये मान लेते हैं A पॉइंट और B पॉइंट। अब हमारे पास करंट सोर्स रहेगा एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स है, और ये क्या है, कहिए। देखो सबसे पहले तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, कन्वर्ट कर दो उसे वोल्टेज सोर्स में, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारा डायग्राम बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो वोल्टेज सोर्स में करोगे तो क्या फॉर्मूला होगा, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर। इनका करंट ऐसे जा रहा है तो हमारा करंट भी ऐसे ही जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। वोल्टेज कितनी आ गई, आई इंटू आर, 3 इंटू 10, ये 50 ओम हमारे पास एज इट इज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो हमारा इसके अक्रॉस ऐसे ही जाएगा। रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे 25, ये कितना आ गया, 50, और यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट, और ये 10 ओम, राइट। अगेन तुम ए पे हो, कहाँ पे जाना है, बी पे। तो वी ए बी को क्या लिखोगे, ए से सी, सी से डी, डी से बी। तो वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी, यही होगा। तो करंट मार्क कर ले, तुम ऐसे जा रहे हो तो करंट भी कैसे जाएगा, एक ऐसे ही जाएगा। अब ये बताओ ये कितने कमरे हैं, एक कमरे हैं, दो कमरे हैं, सॉरी एक कमरा है, दो कमरे हैं, बोलो। एक ही है ना, बीच की दीवार टूटी हुई है तो एक ही है। तो सेकंड सेकंड साइन लेते चल रहा है तुम्हें, बस कुछ नहीं करना। तो इसका सेकंड साइन क्या हो जाएगा, +30। इसका सेकंड साइन क्या हो जाएगा, -10 I1, है ना। इसका सेकंड साइन क्या हो जाएगा, -50 I1। इसका सेकंड साइन क्या हो जाएगा, -25 I1। फिर सेकंड साइन +50 आ गया। और मतलब ये तो तुम्हारा VAB के लिए आया है, अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए। I1 के लिए पूरे में KVL में लगा लो, पूरे में KVL लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। इसको ला के तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन बोलो क्या होगी पूरे इस KVL के लिए, मैं अगेन यहाँ से शुरू कर रही हूँ, +30 -10 I1 -50 I1 -25 I1 +50 +10 -10 I1। सॉल्व कर लो, I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो VTH आ जाएगा। बट तुमसे क्या पूछी गई थी, पावर। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वेयर TH डिवाइडेड बाय 4 RL। तो VTH भी पता है तुम्हें और RL RTH के इक्वल होता है वो भी पता है।
तो तुमने देखा कि इसमें सिर्फ हमें थेवनिन ही अप्लाई करनी है, नाम इसका मैक्सिमम पावर का हो गया।